गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 3 चीलास की रेसिपी, जो कि लंच और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है, ना रोटी, ना उपमा, ना पुलाव, ना ही दाल के चीले, ना बेसन के चीले। हम इन सब आइटम्स को खा खा के बोर हो चुके हैं। किसी भी अच्छे वेट लॉस जर्नी के लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है रेगुलैरिटी। और रेगुलैरिटी कहाँ से आती है? अगर आप बहुत सारे फूड आइटम्स रिपीट कर करके खाते चले जाओगे, आपका इंटरेस्ट जो है वो खाने से लूज हो जाएगा। उसके बाद आप एकदम से जंप करोगे बहुत सारे जंक फूड आइटम्स पे। सो हमारे पास बहुत सारे हेल्दी खाने का इतना सारा खजाना है, जिसकी हेल्प से आपका जो वेट लॉस का जर्नी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल सके, और साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है आपके वेट लॉस जर्नी में, आपके फूड में, वो भी बिल्कुल ज़ीरो ना हो। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ रवा के चीले, सूजी के चीले, और वो बहुत सारी सब्जियों को मिक्स एंड मैच करके बनाए गए हैं। 3 रेसिपीज़ में आप लोगों के लेके आई हूँ, जो कि हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फिलिंग है, और कुकिंग करने में हार्डली लगेगा 5 से 10 मिनट। हाँ, जो आलसी बंदे हैं, जिनको ये होता है कि मैम कुछ क्विक कर दो, कुछ ईजी कर दो, उनके लिए तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, बट इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। और हाँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए मेक श्योर आपके पास नॉनस्टिक तवा हो। चीले को अच्छे से पकने देना, तभी जाके वो फ्लिप हो सकेगा अच्छे से। और मेक श्योर आप चीले को ढक कर पकाओ, जैसे मैं अपनी रेसिपीज में अभी आपको दिखाने वाली हूँ, नहीं तो वो चीला चिपक जाएगा और पूरा का पूरा भुज्जी बन जाएगी। सो मज़ा नहीं आएगा। सो कैसे बनाने हैं चीले, चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर पालक सूजी चीला। सो ये है मेरे पास पालक, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। मॉनसून का सीज़न है, बहुत अच्छे से वॉश करके ही इसे यूज़ करेंगे हम। सो हमें कितनी पालक चाहिए 2 चीले के लिए, ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर मुट्ठी भर पालक, विच मीन्स 7 से 8 बड़े पत्ते या मुट्ठी भर पालक। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप जितना पानी, दैट्स इट। और सबसे पहले मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ओके जी, सो यहाँ पर मैं लूँगी मेरी 1 छोटी कड़छी जितना सूजी, और एक और छोटी कड़छी जितना सूजी, और ये 2 चम्मच जो मैंने सूजी लिए हैं ये 2 चीले की क्वांटिटी के लिए है। इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा सूखा धनिया पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी हमारा भुना हुआ जीरे का पाउडर, पिंच ऑफ हिंग पाउडर एंड पिंच ऑफ अजवाइन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा पालक का प्यूरी जो हमने बनाई थी। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे इसको। ओके जी, सो ये रहा मेरा नॉनस्टिक तवा, जो कि हल्का गर्म हो रहा है, एंड इसके ऊपर मैं डालूँगी मेरे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ देसी घी। गैस को हम सिम कर देंगे, और ये रहा मेरा मिक्सचर। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे प्याज और टमाटर। जो टमाटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसमें सीड्स नहीं है। इसको हम ढक देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अगर चाहते हो आपका चीला जो है वो अच्छे से पलट जाए और अच्छे से चिपके ना तवे पे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इसको कवर करो, सेम आँच पे पकाओ, और वो भी कवर करके ढक कर, तो ईजिली फ्लिप हो जाएगा। चीला इज रेडी, पालक सूजी चीला। ऑलराइट, नेक्स्ट चीला अब हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट सूजी चीला। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास है अनियन, 1 छोटा अनियन, 1/2 बीटरूट,
यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें आधा गिलास जितना पानी। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ओके जी, सो यहाँ पे मैं अगेन ले रही हूँ 2 चम्मच जितनी हमारी, 2 बड़े चम्मच बोल लो या 2 करछी बोल लो छोटी, उस जितनी सूजी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा नमक, एज पर योर टेस्ट कोशिश करो कम। सूखा धनिया पाउडर, पिंच ऑफ अजवाइन, पिंच ऑफ हिंग पाउडर, और ये रहा मेरे पास मेरा ब्लेंड किया हुआ बीटरूट एंड प्याज, ये हमने इसमें मिक्स करा खूब अच्छे से। हमने इसको मिक्स करा, अब हम इसको रखे रहने देंगे फॉर एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और उसके बाद हम इसे बनाएंगे चीले। मैंने तवे पे लगाया थोड़ा सा घी, तवा हो गया मेरा अच्छा खासा गरम। ठंडे तवे पे भी अगर आप डालोगे ये मिक्सचर तो भी वो चिपक जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरा मिक्सचर, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से ढक दूंगी, सिम आंच पे मैं इसे पकने दूंगी कम से कम 15-20 सेकंड के लिए, फिर मैं हम इसे चेक करते हैं। ओके जी, सो ये रहा हमारा बीटरूट का चीला, और एक बारी में हम 2 खा सकते हैं, मैंने 1 बनाया है, आप एक बारी में 2 ले सकते हो। ओके जी, सो नेक्स्ट हम बना रहे हैं चीला, मिक्स वेज चीला। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे है 2 चम्मच जितनी सूजी, इसके अंदर हम डालेंगे हिंग पाउडर, सॉल्ट, अजवाइन, और यहाँ पे मेरे पास है अनियन, टमाटर, शिमला मिर्ची। इसमें हम डालेंगे पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे खूब अच्छे से। और अब हम इसे रखे रहने देंगे फॉर एटलीस्ट गुड 5 मिनट्स का रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम इसका बनाएंगे चीला। ओके जी, सो यहाँ पे लगाया हमने थोड़ा सा घी, और ये रहा हमारा मिक्सचर। चीला हमारा बन चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। ओके जी, सो ये रहा हमारा चीला और ये बिल्कुल तैयार है। वेलकम बैक जी। सो कौन कौन ये चीला ले सकते हैं? कोई भी ये चीला ले सकते हैं, सिर्फ स्टोन वाले लोग ये चीले नहीं ले सकते। जिन जिनको स्टोन का इशू है या जिनका गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम रहा है या जिनका गॉल स्टोन निकल चुका है। नाउ सेकेंड पॉइंट है कि ये चीला कब ले सकते हैं। कहने को तो ये इतने हेल्दी है, इसको आप डिनर में भी ले सकते हो, बट मैं अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पे हैं देन ब्रेकफास्ट में और लंच में, बट अगर आप मेंटेनेंस पे हैं देन आप डिनर में भी इसको ले सकते हो। घर की बनी किसी भी चटनी के साथ आप इसे ले सकते हो, अगर आपको PCOD नहीं है आप कर्ड के साथ इसको ले सकते हो, और ये बहुत ही फिलिंग है और इतने यमी है कि आपकी जो क्रेविंग्स होती है ना बीच बीच में, कुछ बाहर से सुबह का नाश्ता है, चलो समोसे मंगा लेते हैं, छोला भटूरा मंगा लेते हैं, पूरी मंगा लेते हैं, उनकी क्रेविंग्स को किल करेगा ये। अपने वेट लॉस जर्नी में इतने सारे फूड आइटम्स लाओ कि आपकी क्रेविंग्स जो है वो किल रहे, ताकि आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो एक रेगुलैरिटी से ख़त्म हो सके। हमें रेगुलैरिटी चाहिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टिल दैट टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।